ये है जनमत की पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। हमारे साथ मौजूद है भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोलदेवरा जी, आइए इनसे हम बात करें। देखिए, लॉकडाउन चला गया है लेकिन कोरोना वायरस नहीं गया। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी उसने भारत के लोगों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अभी अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, त्यौहार हमारे सामने है। अभी हमने नवरात्रे मनाए, आने वाले दिनों में दीपावली और छठ पूजा है, शादियों का भी सीजन आ रहा है। इसलिए जो मार्केट है वो भी पूरी तरह से दोबारा से भर गए हैं, रौनक आई है। और आर्थिक गतिविधियों के कारण भी हर व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए पूरी तरह से भीड़ भाड़ दोबारा से हो गई है। क्या कहीं ना कहीं आप लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी। जब तक वैक्सीन ना आ जाए, हमारा जो भारत देश है उसके साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे हैं और जो वैक्सीन है वो बहुत एडवांस स्टेज में, जिसकी डिलीवरी की चिंता भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक लापरवाही नहीं और तब तक ढिलाई नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं उसको लेकर भारत सुरक्षित रहा है। आज पूरे भारत में 90 लाख से भी ज्यादा कोरोना के बेड पे इलाज हो रहा है, 12,000 से भी ज्यादा लैब सेंटर बन गए, 10 करोड़ के लगभग कोरोना के टेस्ट हो गए हैं। तो उसको लेकर लगातार कोरोना से जंग जारी है। आज हमारे देश में 10 लाख के ऊपर मात्र 5,500 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि ब्राजील और अमेरिका जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है वहां पे 25,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। मृत्यु दर हमारे यहाँ सबसे कम है, 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 83 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका में 600 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु पर 10 लाख हुई है। इसलिए जो कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं उन कदमों में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे घर के बच्चों पर, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है उनके ऊपर गहरा असर डाल सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और समय समय पर हम लोग अपने हाथ साबुन से धोते रहे, इसी अभियान को हम जन जागरण अभियान को लेकर पूरे दिल्ली में इसको कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा करीब 90 जगह पर ऐसा जन जागरण अभियान हमारे हाथ दिया हुआ है, और इसी अभियान के अंतर्गत मैं आज इस प्रेरणा चौक पर इस अभियान को लेकर हम जनता के बीच खड़े हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और उसी को लेकर हम लोगों को जागरूक करने यहाँ पर बैठा है। क्या आप मानते हैं कि लोग बेपरवाह हो गए, जिनको सजग करने की आवश्यकता है? दोबारा पूछिए। क्या आप मानते हैं कि लोग बेपरवाह हो गए हैं, जिनको सजग करने की आवश्यकता है? देखिए, जब 6-7 महीने से लोगों ने जो सावधानियां काफी बरती है, लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा थोड़ा लापरवाह होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमारी देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री की हर बात को सरस माना है, लेकिन उसमें कोई कोताही ना रह जाए। जैसे कि कबीर जी ने कहा है कि जब किसान अपनी फसल को खेत में बिल्कुल भरा हुआ देखता है तो उसका मन गर्वित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक फसल घर में ना आ जाए तब तक उसको गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने सभी जितने भी नियम थे उनको फॉलो किया है, लेकिन कोई भी कोताही उसमें ना रहे, इसलिए ये जन जागरण अभियान हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता और दिल्ली की जनता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात को स्वीकार करेंगे और किसी की तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। ये है जनमत की पुकार।